आज गेम खेलते हैं। हाँ हाँ बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ कान्हा यमुना के तट पर खेलेंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलो। ये लो गेम। मैं दूंगा परंतु उसे रोक लेना। हाँ अवश्य रोकूंगा। ये लो। कान्हा मैं कहता था ना कि मनसुखा को गेम मत दो, ये नहीं रोक सकता। अब वहाँ से गेम लाएगा कौन? इस मनसुखा को ही भेजो, इसी के कारण तो गई है गेम। नहीं नहीं मनसुखा को क्यों, वो बेचारा डूब जाएगा। तो तुम ही लेके आ गए। अच्छी बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। जल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतर आओ। अरे नीचे उतर आओ नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या कहा? नदी में कूदोगे? हमारी गेंद नदी में गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं जल्ला तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालिया दे है, यहाँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। ए आजा ये तो आई नहीं रहा, मैं नंद बाबा को बुला के जाता हूँ। नंद बाबा नंद बाबा आजा कान्हा, तुम्हें गेम नहीं चाहिए। मित्रों तुम्हारा सेनापति किसी नाव के भय से वापस आने वाला नहीं, देखते रहो मैं क्या करता हूँ। अरे मूर्ख बालक तू यहाँ कैसे चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। है गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने के लिए। यहाँ इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ यदि हाथी भी गिर जाए तो नागराज के रिश्ते भस्म हो जाता है। चाहे तू अभी तक कैसे बच गया। जा बालक वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तुम बच जाओगे, परंतु नागराज के क्रोध से कौन बचाएगा बदले? तुम? मैं? हाँ अपने पति के क्रोध से तुम मुझे बचा लेना मैया। मैया? तूने मुझे मैया कहा? बदले तुम कितना भोला है, एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण दबाने चला आया? देख बालक ये सर्पों के राजा कालिया का गेंद है,